इस संसार में सुख भी बहुत है और दुख तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिनको दुख की जरूरत है वे दुख की रचना करते हैं, दुख तैयार करते हैं। कितने लोगों में ऐसी केमिस्ट्री है कि दुख पैदा करते हैं। दुख पैदा करने में बहुत कलाकार है, जैसे महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं ऐसे वे दुख पैदा करते हैं। या पैदा कुछ न कुछ कर ही देते हैं, घर में कलह कलेश करते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। आप स्वर्ग को भी नरक बना सकते हैं, सब सुख को गोबर कर सकते हैं। आप गाली बको दुख शुरू, बीड़ी पियो दुख पैदा हो गया, शराब पियो बड़ा दुख पैदा हो गया, हो मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा हाथी घोड़ा भैंसा गधा सब खाओ, खुद ही गधा हो गए दुख शुरू। हाँ, गुस्सा करो दुख शुरू, जिद हट करो दुख शुरू, अपनी माँ को धक्का मारो दुख शुरू, बाप को ढकेल दो दुख शुरू, मर्यादाओं को तोड़ दो दुख शुरू, लक्ष्मण रेखा लांघ जाओ दुख शुरू, तमाकू खाओ दुख शुरू, सुपारी चबाते रहो दुख शुरू। सुपारी क्यों चबाते, क्या जरूरत है? तमाकू खाने क्या जरूरत है? चाय की भी आदत नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों को चाय न मिले तो खोपड़ा खौल जाता है पूरा। बोलते हैं चाय नहीं मिलेगी तो घर में आग लगा दूंगा। अरे आग क्यों लगाओगे, चाय खुद ही बना लो जाए, फिर आग लगा दोगे। कितने लोग हुक्का पिए थे, हुक्का ही उनका बप्पा। कुछ न कुछ खुराफात। आलस्य करो दुख शुरू हो जाएगा। गम मत खाओ दुख शुरू, क्षण क्षण में नाराज हो जाओ दुख शुरू, गुस्सा में भोजन करो दुख शुरू, सामान सही सलामत नहीं रखोगे दुख शुरू, अपने सामान की रक्षा नहीं करोगे दुख शुरू। कितनी महिलाएं कानक कुंडल खोए गवा है, रोती घूम रही हैं, हमसे पूछते हैं कुंडल खोई गवा का करी, तो हम कहने बचेगा कानू वह बहुत है, कान वह हम जड़ा रहे नहीं वह चला जाते। जब तुमका अपने कान और कुंडल फिक्र नहीं तो कुंडल पहरे हुआ है, कान में कमंडल पहर लो। हाँ, और तुम्हारे कान में कुंडल हो पूछती हमसे हो, हमारे तिर न कुंडल हो न कमंडल हो सब रहमंडल हो। फालतू बात, नाक क्यार फूल चला गया नाक बच गए वत्ते बहुत। तो ये सब फालतू काम। यशस्वी प्रशांत कुमार के सास ससुर पधार चुके हैं, उनको बिठाइए अशोक जी, स्थान दीजिए, बहुत सुंदर। हाँ, सिकल जाओ, बढ़ जाओ थोड़ा थोड़ा। वाह वाह, आप कन्नौज के सत्संग में भी आए थे, बहुत प्रेमी हैं। अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ जाएगा तो कंठी माला ये भी पहनेंगे, तो हमारे दुई चेला बढ़ी हैं, हम ये दाम लगे नहीं इनका गांठ गूंठ की माला पहराई पाई। गुरुमंत्र देना है। हाँ, गुरुमंत्र लेना चाहिए। गंदगी रखोगे दुख शुरू, चोरी करोगे दुख शुरू, बेईमानी करोगे दुख शुरू, छल कपट करोगे दुख शुरू। जब तुम कोई गलती करते हो तो आपके अंदर भय शुरू होता है, और जहां भय है वहीं दुख है, जहां डर है वहीं दुख है। गलती करने को सोचते हो तो भी डर पैदा होता है। अभी सोच लो कि यहां से एक कुर्सी चुराऊंगा, कितनी गणित आपको लगानी पड़ेगी कि कुर्सी चुराए ले कैसे ली हो, इतने लोग हैं देख लेंगे, तो कोई पकड़ ली छीन ली, तो तुम कही हो कि अरे हम लई जेब, हम कह दी कि खरीद के लाने, तो फिर मन बोली कि अरे वो मन नाव लिखा कोई कह तो कब छिपाई पे हो, जो दान धीसु का नाव लिखा, तो फिर तुम बोली हो कि खुर्च दे बे, तो मन बोली खुर्ची हो कहे से, कह तो चक्कू ले बे, तो मन कहा चक्कू लाए नहीं तो कहाँ ढूंढी हो, तो असमंजस में पड़ोगे दुख शुरू।
और अगर तुम सोच लो एक कुर्सी के पैसा दान करेंगे हम 500 रुपये, कुर्सी बैठे थे या कुर्सी दान नहीं करते तो सुख शुरू, क्योंकि हमका देना है, अब टेंशन का है निकारिक दैते की बात खत्म। जहां जहां चोरी बेईमानी गलत सोच आती है वहीं दुख शुरू होता है। जिस समय माँ से तुम प्रेम से बोलते हो माँ को भी सुख मिलता, तुमको उससे डबल सुख मिलता है। और जिस समय आप अपने पति से, पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से, बहू से, सासू से, ससुर से, सबसे प्रेम का व्यवहार करते हो, बस सुख शुरू, तुम बहुत मगन, बहुत सुखी, बहुत खुश। और जब तुम गुरु से प्रेम रखते हो तब तो महासुख शुरू, क्योंकि पशु पंछियों से प्रेम करो तो भी सुख शुरू हो जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है कबूतर से प्रेम करते हैं, बड़े खुश हैं, कबूतर भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। कई लोग गाय और बछड़े से प्रेम करते हैं, गलभैया डालते हैं। हमारे आश्रम में गौशाला है, कई साधु जब देख लेते गुरुजी नहीं है तो बछड़ा के गलभैया डाल के कहते तुम और हम दो जने तो हम बछड़े से मिलते। और पहले मैं वहीं रहता था, छत से झांक लेता था तो डरा के भाग जा रहे, ये गलभैया लगना मना है, लेकिन बछड़ा के लग लो कोई बात नहीं, कोई स्त्री से गलभैया मत लगो और न पुरुष से लगो, बछरम कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं, खतरा लग ले हो कोई बात नहीं, पर गलभैया के बजाय बछरा के लिए हरा चारा और बछरा के लिए गुड़ का इंतजाम करो। वहाँ गालम गाल छुआव थे खाए घर में नहीं, भूसा तो खवा ही नहीं पाए रहे, अब उम्र लटके परे होके गर्दन में बछड़ा भी सोचत है कि गर्दन पकड़ के लटका है, अब कुछ मिली वो मिला कुछ नहीं भाई भूसा। मेहनत करो, हरा चारा उगाओ, खिलाओ। प्रेम करने वाला भी बहुत सुख पाता है और जिससे प्रेम करते वो भी सुख पाता है। शक्कर बांटने वाले के अंगुलियों में भी मिठास रह जाती है, फिर अंगुली चाटता है तो भी मीठा लगता है। और शक्कर जिनको बांटता है वो भी शक्कर की मिठास पाते हैं। और नमक बांटने वाले की उंगलियों में भी खारीपन रह जाता है, नमकीन लग जाता है, उंगली चाटो तो अपने को नमकीन स्वाद आता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। इसलिए सुख चाहते हो तुम, ये आशा मत रखो कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे। अरे जाने दो इसको, करे न करे तुम कर दो उसको, तुम बोल दिया करो श्रीमती मनोरमा देवी कुशल मंगल हो। मुझे याद है मैं बचपन में छोटा था, स्कूल से पढ़ कर आता था तो मेरे पिताजी द्वार पर बैठे रहते थे तो मुझसे बोलते थे बाबूजी नमस्कार, नमस्कार बाबूजी नमस्ते। तो हम छोटे थे 8-10 साल के, शर्मा जाते थे, भाग जाते थे घर में, लेकिन वो मजा करते थे बाबूजी नमस्ते नमस्ते, हाँ हाँ बाबूजी आ गए, तो हम शर्मा के भाग जाते थे, लेकिन खुशी होती थी कि हम बाबूजी हो गए। फिर घर में वो किताबों का थैला धर के आते थे, फिर उनके पाँव छूते थे, मैं पाँव रोज छूता था उनके।